केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया तो भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने से गुरेज नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद अमित शाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को इसी तरह बढ़ावा दिया और नागरिकों की हत्या को प्रायोजित किया तो उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि 2016 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर यह साबित कर दिया है कि हम हमलों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की देखरेख में की गई सर्जिकल स्ट्राइक एक महत्वपूर्ण कदम था। हमने यह मैसेज दिया कि कोई भी भारतीय सीमाओं पर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है। एक समय था बातचीत करने का, लेकिन अब समय है प्रतिक्रिया का। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को टारगेट कर उनकी हत्या की गई है। आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इसके अलावा आतंकियों ने सेना पर भी हमला किया था। घाटी में इस तरह की घटना होने के बाद लोग इन आतंकवादियों पर करारा प्रहार करने की मांग कर रहे हैं। घाटी में देश की सेना ने आतंकवादियों को जबरदस्त चोट भी दी है। दिल्ली और अन्य राज्यों से कुछ आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा गया है, जिसके बाद इन आतंकवादियों के कबूलनामे से पाकिस्तान की पोल पट्टी पूरी दुनिया में खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।